बाहरी तत्व नहीं, अपने ही कंपनी मैनेजमेंट कर रही कामगारों का शोषण। जीएमपी के कामगारों ने उद्योग के खिलाफ खोला मोर्चा। औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन के एक उद्योग जीएमपी टेक्निकल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के मजदूरों ने उद्योग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पिछले कई दिनों से यह विवाद चला आ रहा है और यह मामला श्रम कार्यालय तक पहुंचा था। उद्योग में कार्यरत कामगार उद्योग द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए एकत्रित हुए तो उद्योग ने उन पर कार्यवाही करते हुए दो कामगारों का तबादला बद्दी से 2000 किलोमीटर दूर मुंबई कर दिया। स्थानीय पंचायत मंडला की प्रधान कल्पना रानोट ने बताया कि कामगारों और उद्योग के विवाद को सुलझाने के लिए उन्होंने जब इस बारे में उद्योग प्रबंधन को मिलना चाहा तो उद्योग प्रबंधन ने उन्हें अपने उद्योग में बुलाया। एक घंटा इंतजार करने के बाद भी नहीं मिले तो वहां से चली आई। पंचायत प्रधान ने कहा कि जब ये उद्योग मौजूदा प्रधान को बुलाकर भी नहीं मिलते तो कामगारों के साथ इनका रवैया कैसा होगा। राष्ट्रीय मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार राजू भी मजदूरों के साथ खड़े हो गए। राजू ने कहा, कामगारों का शोषण करना बंद करे उद्योग। जब यह मामला श्रम विभाग में चल रही है तो उसके बाद भी उद्योग प्रबंधन ने दो और कामगारों का तबादला कहीं और कर दिया। उद्योग प्रबंधन को किसी का डर नहीं है और सरेआम कानून की धज्जियां उड़ते देख हैरानी होती है। उन्होंने कहा कि कामगारों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्थानीय पंचायत के वार्ड पंच ने उद्योग प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि उद्योग का प्रदूषण से है हम और नौकरियां बाहर वालों को। हमारी पंचायत के लोगों को उद्योग जानबूझकर स्थानांतरित कर रहा है जो कि निंदनीय है। वार्ड पंच ने कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि इस तरह की मनमानी करने वाले उद्योगों के खिलाफ शिकंजा कसा जाए और संज्ञान ले। उद्योग मनमानी करना बंद करे और जो भी कामगार स्थानांतरित किए गए हैं उनको उद्योग में वापस लिया जाए और मजदूरों की मांगों को स्वीकार कर उद्योग प्रबंधन उन्हें काम पर वापस ले। नेशन न्यूज के लिए बद्दी से हरजिंदर ठाकुर की रिपोर्ट। हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। और जो दो इन्होंने लड़के बाहर भेजे हैं हमारे, उनको मतलब उनको वापस लिया जाए। इनके यही आज की जो मांग है इनकी यही है कि जो दो लड़के इन्होंने बाहर भेजे हैं उनको यहाँ वापस लिया जाए और जो हमारे स्थानीय लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, हिमाचली लोग हैं जो हमारे काम कर रहे हैं, उनके साथ शोषण ना करें, उनको प्रताड़ित ना करें। और मैं प्रशासन से भी यही मांग करती हूँ, इनका लेबर कोर्ट में केस चल रहा है तो मैं यही मांग करती हूँ कि इनका इनका जो है इनका वो इनको मिलना चाहिए। इनका जो मान सम्मान है वो इनको बिल्कुल मिलना चाहिए और इनको प्रताड़ित ना किया जाए। मैं यही प्रशासन से भी डिमांड करती हूँ कि इनका हक इनको मिलना चाहिए। धन्यवाद। मैं राजकुमार चौधरी, अध्यक्ष राष्ट्रीय मजदूर संघ। आज मैं और हमारे टीम मेंबर, ये पिछले मेरे ख्याल से दो हफ्ते से ये लड़ाई चल रही है। फैक्ट्री वाले बिल्कुल वर्करों के खिलाफ, यहाँ मेरे ख्याल से लगभग 90% हमारे जो हिमाचल के कर्मचारी काम कर रहे हैं और ज़्यादातर जो हमारे वर्कर हैं वो हमारे स्थानीय लोग हैं यहाँ। तो शुरू में इनकी बात हुई थी वर्कर की कि दो वर्करों के लिए मूवमेंट के लिए इन्हें मुंबई भिवंडी भेजना था। तो वर्करों से इनकी आपसी सहमति में पहले 15 दिन का इन्होंने, जो कश्मीरी ठाकुर जी है उनने 15 दिन के लिए इन्हें बोला कि मूवमेंट के लिए इनको जाना पड़ेगा। तो केस लेबर कोर्ट में गया, लेबर कोर्ट में इनके जो सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर था उस पर बात हुई, कंपनी ने सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर दिए और फिर मूवमेंट के बाद ये एकदम से ट्रांसफ़र आ गई, हम इनको ट्रांसफ़र करेंगे। चलो हमारे कृष्ण शर्मा जी, उमेश जी मध्यस्थता करके इन्होंने 3 महीने के लिए उसको भिवंडी के लिए भेज दिया है और मेरे ख्याल से पिछली 6 तारीख से वो भिवंडी गए हैं और आज तक, आज 16 तारीख हो गई है, 2 हफ्ते उनको होने को है और उनको आज तक फैक्ट्री लेके गए जो स्थानीय लोग हमारे अशोक जी और कूड़ावाला से है और मदाड़ा से हमारे लड़के, उनको जबरदस्ती तरीके से एक होटल में बंद करके रखा हुआ है इन्होंने। और जो हमारा लिखित में समझौता माननीय लेबर कोर्ट में हुआ था उसमें मैनेजमेंट की तरफ से लिखित में आश्वासन दिया गया था, आश्वासन क्या लिखित में उन्होंने दिया था कि इनका 7500 रुपये पर वर्कर का अलाउंस दिया जाएगा, खाना पीना रहना आने जाने का जो आवागमन के लिए जो भी इसका खर्चा आएगा वो कंपनी दे करेगी। और जैसे ही वो 6 तारीख को वहाँ पहुँचे तो उनको होटल से 2-4 दिन पहले होटल में बैठा रखा उनको,
उसके बाद होटल से उनको लेके, होटल से 70-80 किलोमीटर कहीं बिरानी जगह उन पर छोड़ दिया गया और उनको बोल दिया गया कि आप अपने खर्चे से अपना रहना मकान का देख लो, खाने पीने का और आने जाने का बंदोबस्त खुद करो। तो उन्होंने वहां से स्थानीय थाने में कहीं कंप्लेंट की है और वहां से ऑनलाइन उन्होंने बद्दी एसपी साहब को भी एक ज्ञापन दिया है और लेबर कोर्ट में भी उन्होंने एक ज्ञापन दिया है कि हमारे जो हमारी कंडीशनें तय होती है उस पर कंपनी वाले खरे नहीं उतर रहे। उसके बाद वर्करों ने एक समझौते के तहत एक अपना मांग पत्र माननीय लेबर कोर्ट में दिया है और वो पेंडेंसी में है, अभी चल रहा है। उसकी मेरे ख्याल से 20 तारीख की हमारी डेट पड़ी है।